सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ना महायुति के पास जीतेगा वही, जो जीतेगा वो सिकंदर। पवार साहब कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए, आज ही सुबह मैंने एक इंटरव्यू में इसका उत्तर दिया है, हम तीनों में कोई विवाद नहीं है और पहले दिन से तय किया था। ऑफकोर्स मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी शायद हम, मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो बोले ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। हम एक बात निश्चित, हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं इनको तो हमें भगाना ही है। अन्यथा क्या होगा कि मुख्यमंत्री, चलो ठीक है मैं कहता हूं मुझे बनना है मुख्यमंत्री, आप कहते हैं आपको बनना है, लोगों का क्या होगा? जो महाराष्ट्र की लूट हो रही है उसको रोकने वाला कोई तो चाहिए और हम तीन मिलकर दे सकते हैं। क्या वो बता सकते हैं कि उनके पास जो सब जमावड़ा है गद्दारों की फौज, कौन बनेगा सरदार उसका, बता सकते हैं? बताओ तो पहले, आपस में तो कुछ तय करो, हमारे ओर क्यों देख रहे हो? मोदी जी कल आकर कह रहे कि ये वो फलाना फलाना जो भी कुछ है ये गद्दार मुख्यमंत्री बनेगा, तो डिक्लेयर करो। लेकिन कोई हम में से कौन बनेगा वो मोदी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, हमें तो सरकार को हटाना है, हम देख लेंगे बाद में, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा? गौरव भाटिया जी, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था, पूछा था कि महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री बनना है, दूसरी पार्टी कहती है कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बाद में देखा जाएगा। वही सवाल आपको भी पूछा जा रहा है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए अब ये बात तो तय हो गई है कि महायुति की सरकार पुनः महाराष्ट्र में आने वाली है। साहिब जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूं। बोलिए, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, देखिए अब ये बात तय हो गई है कि महाराष्ट्र में पुनः महायुति की ही सरकार आने वाली है और हमारा तो नारा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हम तो एक हैं। लेकिन बंटवारा कहां चल रहा है? बंटवारा तो वहां चल रहा है जहां महावसूली अघाड़ी में लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं। अब तो गैर संवैधानिक जो गतिविधियां हैं वो चरम सीमा पे हैं। आप बताइए, खुल्लम खुल्ला अपील कर रहे हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान वोट देंगे महावसूली अघाड़ी को, ये अभी एक उलेमा का फरमान आया है। साहिल जी आप मुझे बताइए, जो संविधान हाथ में पकड़ के राहुल गांधी दिखाते हैं, जब उसको खोला जाता है महाराष्ट्र में तो कोरे कागज निकलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खोपड़ी तो देता है भगवान, लेकिन उसके अंदर बुद्धि मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता होता है। वैसे ही हाल इनका है, संविधान दिखाते हैं अंदर कोरे कागज हैं। बात संविधान में होनी चाहिए भाईचारे की और नागरिक वोट डाले। जी आपका तो मुख्यमंत्री कौन होगा? बैठिए भी वोट डाले तो भी क्या है? जी मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री, आपको भी वही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा? जी ये चुनाव, हाँ मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, ये चुनाव लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। चेहरा हमारा वही है और कमान संभाली हुई है देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो हर दिलों की धड़कन है, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमारी तरफ तो कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो साक्षात्कार आप ही ने किया, उन्होंने कहा मैं तो अजित पवार का नाम भूल गए सर, चेहरा आ जाए। वो चेहरा किसका हो? हाँ अजीत 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 पवार जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, मैंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अजीत पवार जी हमारे गठबंधन का जो है त्रिदेव में तीसरा देव हैं। और कुछ सुनना चाहते हैं साहिल जी? सवाल ये पूछिए जो मैंने उठाया है।
कि उद्धव ठाकरे की दिल की हालत आज क्या हो तिवारी जी, वो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आपकी मुख्यमंत्री कौन होगा? गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे, प्रधानमंत्री ने भी पूछा था। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी जवाब दे दीजिए कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, मैं उद्धव जी ने कह दिया ना, उद्धव जी चाहते थे कि कोई चेहरा लेके चुनाव में जाएंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने यह तय किया है कि चुनाव के बाद जिसके विधायक ज्यादा रहेंगे और जो हम लोग तय करेंगे वो होगा। हमारी प्रायोरिटी यही है कि ये गौरव भाटिया की निकम्मी सरकार को हटाना है। अब आपके जो प्रश्न थे बड़े विचित्र थे। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाविकास आघाड़ी में तीन पार्टियां है और कांग्रेस में तो कद्दावर नेताओं की फौज है। अभी मैं नाना पटोले की सभा में हूँ, नाना पटोले एक है, शिवाजीराव मोगे है, हमारे नितिन राउत है, हमारे बाला साहेब थोरात है, पृथ्वीराज चौहान है। सबको सपना आ रहा है, सबको सपना आ रहा है। ये देखो एक बात, किशोर तिवारी जी, सबको सपना आ रहा है अब की मुख्यमंत्री बनना है। अरे साहिल, साहिल तुम सांगोला से आते हो, एक सवाल पूछ लू जरा। अरे तुम मत पूछो भाई, एंकर को छोड़ दो, एंकर को छोड़ दो। आज सपना आना बहुत उचित लक्षण है ये, नॉटी। अरे क्या गौरव भाटिया, आप पढ़े लिखे हो लेकिन बीजेपी में जाने से पूरा ज्ञान तुम्हारा वो पूरा वो अमित शाह के और उन्होंने गहन रख लिया। एक अरे आप अपनी बात करो, पेंगुइन के चाचा, पेंगुइन उड़ने वाली नहीं है। रुको यार, रुको, पेंगुइन के चाचा पेंगुइन उड़ेगी नहीं, और आप जाओगे कहां? आप अपनी चिंता करो। गौरव, गौरव जी, भाटिया जी मुद्दे पर बात करते हैं ना, गौरव भाटिया जी मुद्दे पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात। पूरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, किशोर तिवारी खत्म करिए, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे पे बोल देता हूँ ना। साहिल, साहिल जवाब, रुकिए, बात खत्म कर दीजिए उनको, बोलिए 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 बोलिए। हाँ साहिल, साहिल महाराष्ट्र का चुनाव ये किसानों के मसले पे, बेरोजगारी पर और महंगाई पे और आक्रांताओं को भगाने पर, ये जो आक्रांता है, देखो एक नैरेटिव सेट कर दिया हमने, अडानी अंबानी ये आक्रांता है जिसको अभय दान दिया है अमित शाह और मोदी ने, और ये लोग महाराष्ट्र को लूट के ले जा रहे हैं। अब ये नैरेटिव लोगों को पसंद आएगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कितनी अच्छा नैरेटिव रखा गौरव भाटिया, कुछ नहीं चलने वाला तुम्हारा। कटे सुशील व्यास जी से एक छोटा सा जवाब ले लेंगे, शिवसेना, शिवसेना के प्रवक्ता है सुशील व्यास जी। गौरव भाटिया ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल था बाद में कौन बनेगा, उसका जवाब नहीं है। नहीं एक मिनट, अरे भाई किशोर तिवारी जी मुझे मालूम है क्या बोल रहा है, एक मिनट किशोर तिवारी जी, शायद सुशील व्यास जी, सुशील व्यास जी, सुशील व्यास जी जवाब दीजिए कि भाई भाटिया जी ने जो बात कही वो हमारे महायुति का फैसला है कि वर्तमान चुनाव जो 20 नवंबर को होने जा रहा है वो हमारे वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। काम एकनाथ शिंदे से कराएंगे, बाद में तय करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये भाषा ठीक नहीं है। काम एकनाथ शिंदे से कराएंगे चुनाव में, बाद में डिसाइड करेंगे कि उनको बनाना है। प्रश्न पूछा तो सुन भी लीजिए, संवैधानिक प्रक्रिया बोलिए बोलिए, हमारे तीनों दलों के नवनिर्वाचित विधायक 23 नवंबर के बाद बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। सुशील जी डजन भर लोगों से नहीं बनते मुख्यमंत्री, सेकंड फ्लैश पॉइंट पर चलते हैं, जरा दो मिनट शांत हो जाइए, दूसरा फ्लैश पॉइंट भी आ रहा है, पहले ही फ्लैश पॉइंट पर इतना झगड़ा ठीक नहीं।